गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन टूडे नीव वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद चैप्टर टू एनिमल्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन चिल्ड्रेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्यू टॉपिकुलर चैप्टर एंड लास्ट टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड वॉज आर्मर इज इन डेड वॉट इज आर्मर आर्मर क्या होता है ये मैंने आपको बताया था ना कि भगवान ने हर ह्यूमन बींग को हर लिविंग बींग्स को इनफैक्ट कुछ स्पेशल क्वालिटी दी है बॉडी के स्ट्रक्चर में अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्रीडेटर्स या एनिमीज से सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लायन एंड वाइल्ड बफेलो चिल्ड्रन उन्हें भगवान ने हॉर्न्स दिए हुए हैं ओके वाइल्ड बफेलोज उन्हें डियर्स इन्हें हॉर्न्स दिए हैं लेपर्ड्स है टाइगर्स है लायंस है इनके क्लॉज होते हैं ओके okay? जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सकते हैं अपने प्रीडेटर्स या फिर अपने एनिमीज से ओके okay? फ्यू मोर एनिमल्स और भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं विच कम्स अंडर दिस टॉपिक आर्मर चिल्ड्रेन हुज ऑल्सो गॉट सम स्पेशल क्वालिटी ऑफ फीचर इन दक्चर बॉडी के स्ट्रक्चर में जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं नाउ वॉट आर दो नाउ अ टोटाइज टोटाइज देखा है आपने ना कछुआ जिसे हम कहते हैं इज अ रेप्टाइल वो रेप्टाइल के ग्रुप में आता है इट हैज अर्ट शेल ऑन इट्स बैक

उसके बॉडी के ऊपर में ये वाला जो पोर्शन है ना ये जो शेल एक बना रहता है वो बहुत ही हार्ड होता है उसके बैक में रहता है और जब भी कोई एनिमी उसे अप्रोच करता है ना उसके टूवर्ड्स अटैक करने के लिए तो वो क्या करता है इट पुल्स इज हेड जो हेड वाला ये पोर्शन है उसको वो उस शेल के अंदर घुसा लेता है एंड विद डैट वो अपने लेग को टेल्स को सब को उसके अंदर पैक करके वो एज इफ इट अपियर्स एज इफ कुछ स्टोन जैसी चीज है बड़ी सी रॉक जैसी चीज है वो वहाँ पर की हो गई है जिससे कि वो अपने आप को अपने प्रीडेटर से या एनिमी से डिफेंड कर सके ओके नाउ एन आर्मडिलो चिल्ड्रन आर्मडिलो भी एक ऐसी ऐसा ही एनिमल होता है जिसे मैमल के कैटेगरी में हम रखते हैं इट हैज बोनी प्लेट्स दैट कवर मोस्ट ऑफ इट्स बॉडी इसके बॉडी के ऊपर में ना एक एरिया जो रहता है वो पूरा ही बोनी प्लेट्स मींस बोन्स के छोटे-छोटे छोटे-छोटे टुकड़े जो कि प्लेट्स की तरह सजे रहते हैं मोस्ट ऑफ द बॉडी के इसके जो पार्ट है ना यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर चिल्ड्रेन पे उसके बॉडी का लगभग हिस्सा उसी बोनी शेप से वो प्लेट से कवर्ड रहता है अब नाव क्या होता है इट कैन कर्ल अप इंटू अ बॉल वो बिल्कुल देखिए इस तरह से बॉल की तरह सेकंड वाला पिक्चर जो है वो पूरा बॉल की तरह मतलब अपने हेड को लेग को एवरीथिंग को बॉल की तरह अंदर में जब भी कोई एनिमी उसको अटैक करता है तो वो क्या करता है वो कर्ल्ड हो जाता है ओके इट कर्ल्स अप इनटू अ बॉल लिविंग नो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स एक्सपोज टू डेंजर मतलब उसके बॉडी का जो भी सॉफ्ट वाला पार्ट होता है लाइक like, फेस um, होता है लेग्स होता है वो कुछ भी नहीं दिखता है सब कुछ अपने उसी शेल के अंदर वो कर्ल करके घुसा देता है ओके okay? लाइक फ्ला यू हैव सीन के फ्ला को आपने देखा है जब वो ब्लूम नहीं करता है उसके पहले ब्लूम करने से पहले उसके अंदर सब कुछ कर्ल्ड अप रहता है वो उसका जो बॉडी है वो पूरा कर्ल्ड टाइप का कर रहता है ना हाफ पूरी तरह से नहीं खिला जो अध अद्खिल, खिला फूल जिसे हम कहते हैं उसके अंदर के पार्ट्स तो दिख रहे हैं लेकिन जब वो मुरझा जाता है फिर वो खिलता है खिलने के बाद जब वो मुरझा जाता है फ्ला तो वो अगेन क्लोज हो जाता है और उसके अंदर के जो पार्टिकल्स जो रहते हैं फ्ला के वो सब उसी के अंदर पैक हो जाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह ये आमर डीलो भी होता है जब जैसे ही उसे महसूस होता है कि एनिमी इज कमिंग टू टू अटैक मी ही डज कि वो अपने बॉडी को पूरी तरह इस शिप प्लेट्स वाले शेल के अंदर में पैक कर लेता है क्लियर सो दिस वॉज आम नाउ नेक्स्ट कम्स कैमोफ्लेज चिबे अब कैमोफ्लेज क्या होता है द कलर शेप और मार्किंग्स ऑफ सम एनिमल्स हेल्प देम टू ब्लेंड इन विद दर सराउंडिंग्स नाउ दिस इज कॉल्ड कैमोफलेज कैमोफलेज कहते हैं चिल्ड्रेन की जब हम या फिर जो एनिमल्स होते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए अदर एनिमीज से बचाने के लिए उनके बॉडी में जो स्पेशल कलर हो रहता है ना बॉडी का जो स्किन के कलर रहता है उससे वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं गॉड ने उन्हें ये एक्स्ट्रा क्वालिटी दे रखी है उसे ही हम कैमोफ्लेज कहते हैं लाइक कैमोफ्लेज हेल्प्स एनिमल्स टू एस्केप प्रीडेटर्स बाय बिकमिंग हार्डर टू स्पॉट बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ उसकी जो कलर है ना वो ऐसी रहती है जैसे एग्जांपल आई विल गिव यू इट विल बी मोर क्लियर नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ कलर कैमोफ्लेजर लाइक फर्स्ट द वाइट कोट ऑफ द आर्कटिक फॉक्स लिविंग इन स्नोई रीजंस आर्टिक फॉक्स जो रहता है ना आर्टिक रीजन में जो फॉक्स पाए जाते हैं उनके बॉडी का कलर जो है वो इतना ज्यादा वाइट होता है कि वो स्नो की तरह कलर रहता है अगर वो स्नो के बीच में रहे ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि वो स्नो है कि फॉक्स है तो उसके बॉडी का जो कलर है इट हेल्प्स इट टू प्रिवेंट हिमसेल्फ या फिर अपने आप को डिफेंड करने में वो उसे हेल्प मिलता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम इट्स एनिमीज नाउ नेक्स्ट कम्स द सैंड कलर्ड लिजर्ट लिविंग इन डेजर्ट सैंड कलर की एक लिजर्ट होती है जो डेजर्ट में रहती है ओके okay? तो देख सकते हैं आप यहाँ पिक्चर में भी उसकी कलर और सैंड की कलर बिल्कुल सिमिलर है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई की वहां पर सैंड के ऊपर कोई लिजर्ट भी है बिकॉज लिजर्ड की बॉडी की जो कलर है वो सैंड के कलर से बिल्कुल मैच करती तो इस तरह से भी वो मिक्स हो जाते हैं उनमें और अपने आप को डिफेंड करके बचा सकते हैं नेक्स्ट कम्स द ब्लू कलर ऑफ द वेल लिविंग इन द सी सी के अंदर समुद्र के अंदर ब्लू वेल्स होती है ना हम कहते हैं ना ब्लू वेल्स तो जो ब्लू वेल्स होती है उनकी कलर ब्लू रहती है और सी की कलर भी ब्लू रहती है तो जब वो सी के अंदर रहते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट की वेदर देर इज एनी वेल प्रेजेंट और नॉट तो उसके कलर के वजह से भी वो अपने आप को डिफेंड कर सके सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर ओनली नोन एज कैमोफ्लेज चिल्ड्रेन क्लियर इसे ही हम कैमोफ्लेज कहते Now, animals, like zebra. Zebra हैं नाउ देर आर मेनी मोर एनिमल्स लाइक द स्ट्राइप्स ऑन अ जेब्रा जेब्रा की बॉडी पे स्ट्राइप्स रहता है ना स्पॉट्स ऑन अ डियर डियर के बॉडी में भी कुछ स्पॉट्स ऐसे हिरन के बॉडी में बने रहते हैं ना एंड द मार्किंग्स ऑन द बॉडी ऑफ अ चेमेलियन हेल्प देम टू कैमोफ्लेज कैमोफ्लेज मतलब अपने बॉडी के कलर की वजह से या अपने बॉडी के स्किन के वजह से अपने आप को जो प्रोटेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कैमोफ्लेज कहते हैं लाइक जेब्रा के ऊपर बॉडी में स्ट्राइप्स रहते हैं ना वो लीव्स के बीच में अगर घुस जाते हैं ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट ओके उसी तरह जो हिरण होते हैं डियर होते हैं उनके बॉडी में भी कुछ स्पॉट्स होते हैं उससे भी आइडेंटिफाई करना कि वेदर इट्स ए डियर और नॉट थोड़ा मुश्किल होता है ओके देन मार्किंग्स ऑन अ चेमेलियन जो चेमेलियंस होते हैं वो भी अगर ट्री के और ये लीव्स के बीच में रहते हैं ना तो उनके बॉडी के कलर्स चेंज होते हैं तो कलर चेंज जो बॉडी के होते तो हैं गिरगिट आपने सुना है ना गिरगिट की कलर गिरगिट की दर रंग मत बदलिए कहा जाता है ना एक कहावत तो गिरगिट जो है वो अपने कलर को डिमांड के अकॉर्डिंगली वो कन्वर्ट करती कभी रेड दिखती है हमें कभी ग्रीन दिखती है तो उससे भी वो अपने आप को डिफेंड कर सकती है ओके okay? नाउ द शेप ऑफ सम इंसेक्ट्स ऑल्सो हेल्प देम टू कैमोफ्लेज सिर्फ एनिमल्स ही नहीं इंसेक्ट्स में भी ये हेल्पफुल होता है द वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट लुक्स लाइक अ ट्विग वॉकिंग स्टिक ये वाली जो इंसेक्ट है ना जिसका नाम है वॉकिंग स्टिक देखे वो बिल्कुल लग रहा है लकड़ी का एक टुकड़ा है तो वो अगर वुड के ऊपर स्टिक हो जाती है किसी ब्रांच में तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वेदर इट्स एन इंसेक्ट और अ वुड क्लियर नेक्स्ट द वॉकिंग लीव इंसेक्ट लुक्स लाइक अ लीफ तो वॉकिंग लीफ सी दिस पिक्चर चिल्ड्रन ये जो इंसेक्ट है ना ये बिल्कुल लीफ की तरह उसका स्ट्रक्चर रहता है और वो वॉक करती है तो अगर वो किसी लीफ के ऊपर जाके स्टिक हो गई है बैठ गई है वो चिपक गई है तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि वेदर इट्स ए लीफ और एन इंसेक्ट इससे वो भी अपनी रक्षा कर सकती है प्रोटेक्ट कर सकती है नेक्स्ट द मलेशियन ऑर्किड मैंटिस लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ एन ऑफ द ऑर्किड जो मलेशियन ऑर्किड्स होती हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल जो ऑर्किड के फ्लावर्स होते हैं ना देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी की तरह अपीयर होती हैं और ये भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि वेदर दे आर द ओरिजिनल ऑर्किड्स और अदर एनिमल तो इस ऑल थिंग्स आर नोन एज चिल्ड्रेन कैमोफ्लेज अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के वजह से कलर के वजह से अपने आप को जो वो लोग हेल्प करते, करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज कैमोफ्लेज क्लियर चिल्ड्रेन नेक्स्ट कम्स माइग्रेशन अब माइग्रेशन क्या होता है माइग्रेशन कहते हैं बच्चों जब हम लोग ह्यूमन बींग्स भी जब हम लोग किसी एक प्लेस से उठकर दूसरे प्लेस में जा कर रहने लगते हैं फॉर एवर चिल्ड्रेन डैट इज़ नोन एज माइग्रेशन मान लीजिए आज आप डाल्टनगंज में रह रहे हैं ओके यू आर सर्वाइविंग ओवर यर आपके फादर की ट्रांसफ़र हो गई है या परमानेंट उन्होंने प्लान किया है कि नो मोर वी विल स्टे इन दिस सिटी ना वी आर नीडेड टू मूव टू सम अदर गुड सिटी किसी बड़े शहर में जाकर हम लोग रहेंगे सो दे हैव डिसाइडेड टू मूव तो मान लीजिए अगर कोलकाता शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर जो भी घर थे ना सब कुछ बेच के कम्प्लीटली जाके वो कोलकाता में सेटल हो गए वहाँ अपना घर बना लिया और वहाँ रहने लग गए तो क्या कहा जाएगा यू पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम डाल्टेनगंज टू कोलकाता ओके एड्रेस आपका हमेशा डाल्टिनगंज का ही रहेगा आपने देखा होगा जब फॉर्म फिलअप करते हो कोई भी किसी भी टाइप का तो उसमें दो एड्रेस आता है ना एक टेम्प्रेरी एड्रेस एंड एक परमानेंट एड्रेस तो टेम्पररी एड्रेस आप देते हो जहाँ आप अभी रह रहे हो और परमानेंट एड्रेस में आप हमेशा वो वाला एड्रेस देते हो जो आपके विलेज का होता है प्रजेंटेड वाई बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे लोग शिफ्ट करते हैं बट मोस्ट ऑफ द पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उसी तरह एनिमल्स जो होते हैं ना बच्चों बच्चों में वो भी माइग्रेट हो करते हैं अपने फूड के सर्च में आज इस शहर में हैं तो कल किसी और जंगल में चल जाएंगे किसी और स्टेट में चल जाएंगे इन सर्च ऑफ फ़ूड या फिर वेदर के हिसाब से वाटर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वो लोग में उस उनके अंदर मूवमेंट होती है एंड दे माइग्रेट

आज यहाँ पर समझ आ गया है तो वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैसिटी हो गई और वाटर तो बहुत ज़रूरी चीज़ है तो क्या होता है यहाँ के जंगल्स के फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं ना वो ट्रैवल करते हैं माइग्रेट करके वैसे प्लेस में चल जाते हैं जहाँ उन्हें वाटर इस सीज़न में भी अवेलेबल हो जाता है ओके एंड अगैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सीजन दे रिटर्न बैक टू दे ओन प्लेस या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं अपनी सेफ्टी के लिए भी अपने यंग uh, वनस को बर्थ देने के लिए भी वो किसी अलग प्लेस में जाकर माइग्रेट करके वहाँ पर वो uh, करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं अपने बेबीज के लिए प्लान करते हैं एंड दिस इज माइग्रेशन चिल्ड्रेन क्लियर कभी कभी होता है कि वो शॉर्ट डिस्टेंसेस में ट्रैवल करते हैं कभी कभी वो लोग थाउजेंड्स और या माइल्स भी वो लोग ट्रैवल करते हैं डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट उनकी रिक्वायरमेंट क्या है खाने के लिए भी जाते हैं ओके ना माइग्रेशन इज मोस्ट कॉमन इन बर्ड्स स्पेशली इन बर्ड्स आपने सुना होगा ना कि कुछ पर्टिकुलर सीजन में वो बर्ड्स आपको यहां इस सिटी में या फिर इस पॉन्ड में या इस लेक में विजिबल होंगे बट हर आपको वेदर में नहीं लाइक एग्जाम्पल चिल्ड्रेन कोयल एक बर्ड होती है ना जनरली आपको कोयल किस सीजन uh, में विजिबल होती है या उसके साउंड्स उसकी म्यूजिक जो है वो हमें विजिबल हियर uh, करने को मिलता है स्पेशली इन समर्स जब मैंगोज के डेज आते हैं जनरली यानी समर्स में आते हैं तो समर्स के टाइम में वो माइग्रेशन करके दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कम्स टू सेफ प्लेस नाउ आर्टिक टर्न्स आर स्मॉल बर्ड्स बट दे मेक The दे मेक uh, the लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ एनी एनिमल इन द वर्ल्ड चिल्ड्रेन अब ये भी एक बात है कि Arctic जो होता है are small birds ये स्मॉल बर्ड्स होते हैं दे मेक लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ये बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा माइग्रेशन करते हैं ऑफ एनी एनिमल इन द वर्ल्ड ओके दे ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ नियरली हाउ मच थर्टी फाइव थाउजेंड किलोमीटर बिटवीन द आर्टिक एंड द एंटार्क्टिक टू आइस सो साल में वो कम से कम दो एक बार या तो ज्यादा से ज्यादा दो बार तो वो माइग्रेशन करते ही हैं इधर फ्रॉम आर्टिक टू एंटार्टिका ओके Antarctic और आर्टिक के बीच में वो travel करते क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बर्ड्स मैंने बताया ना या सी एनिमल्स भी होते हैं जो पर्टिकुलरली लाइक like, uh, आप uh, कुछ किसी लाइक आर्टिक रीजन्स में आप एग्जाम्पल दे रहे तो वहाँ पर जब विंटर्स आते हैं ना बच्चों तो विंटर्स में क्या होता है कि जो उन वहाँ के पौंड के वॉटर होते हैं ना वो पूरे फ्रीज हो जाते हैं तो उन बर्ड्स को वाटर नहीं मिल पाता है पीने के लिए सो दे माइग्रेट टू समर प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर और फिर जब वेदर चेंज हो जाता है सीजन चेंज हो जाता है तो दे आर बैक टू देयर प्लेस ओके नाउ माइग्रेटरी फिश लाइक सैलमन आर बॉर्न इन रिवर्स और स्ट्रीम्स अब माइग्रेटरी कुछ फिशेज भी होते हैं बच्चों जिन्हें हम सैलमन कहते हैं वो रिवर्स या स्ट्रीम्स में बॉर्न होते हैं नाउ यंग सैलम देन ड्रिफ्ट स्लोली टू सी देर दे लिव फॉर अबाउट सिक्स इर्स देन एडल्ट सैलम अगेन माइग्रेट टू द रिवर बोर्न टू ले एग्स मीन्स वो एग्स ले करने के लिए पर्टिकुलरली बॉर्न हुए थे और उसके बाद अगेन दे ग्रो अप दे सर्वाइव ओवर देव एंड आफ्टर दैट अगैन दे ले एग्स जब बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं तो फिर वो भी एग्स को ले करते हैं लेकिन उसके लिए भी वो प्लेसेस से माइग्रेट होते हैं क्लियर वॉट इज माइग्रेशन एंड एनदर एनिमल चिल्ड्रेन लोकस्ट ठीक है लोकस आर हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट्स दैट माइग्रेट इन स्वम्स लोकस्ट जो होते हैं ना ये जो इंसेक्ट होते हैं एक टाइप के आपने सुना होगा जब खेतों में फसल कटते हैं ना स्पेशली नियर पंजाब हरियाणा डेली यू कैन यू माइट हैव हर्ड ना कि टिड्डे हिंदी में जैसे हम कहते हैं ना कि उनके ग्रुप्स में वो स्वम्स में वो ग्रुप्स को स्वॉम्स बोलते हैं ग्रुप ऑफ लोकस्ट uh, जो होता है ना उसे हम स्वर्म्स ऑफ लोकस्ट कहते हैं वो ग्रुप्स में वो उड़ते हैं एक साथ दे माइग्रेट और जहाँ जहाँ जिस जिस uh, वो खेतों में जाते हैं ना वहाँ के फसल को वो बर्बाद कर देते हैं ओके ना दीज इंसेक्ट सेटल ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय दें तो वो जो खड़े फसल रहते हैं ना जो फसल काटने का टाइम आता है पके हुए फसल रहते उन पर जाकर वो अपने फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं और पूरी तरह से उस क्रॉप्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्लियर चिल्ड्रेन लोकस्ट भी है अ काइंड ऑफ माइग्रेटरी इंसेक्ट क्लियर नाउ नेक्स्ट कम्स हाइबरनेशन चिल्ड्रेन हाइबरनेशन का मीनिंग क्या होता है आपने शायद पहले भी लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा हाइबरनेशन सम एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दे हाइबरनेट For a few months, they don't have food or water. They just go for a long sleep inside their den, den या फिर burrows में वो जाकर सो जाते हैं फॉर सिक्स मंथस और उनके बॉडी में स्किन में जो एक्स्ट्रा फैट्स रहती हैं, सेव्ड रहती है रहती, उससे उनकी सर्वाइवल होती है दैट इज नोन एज hibernation. क्लियर ना हाइबनेशन इज सम एनिमल्स वे ऑफ डीलिंग विद द हार्शनेस ऑफ विंटर स्पेशली हाइबनेशन कब होता है इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विंटर जब विंटर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना जिससे उनकी डेथ होने की चांसेज रहती है स्पेशली दे गो फॉर हाइबनेशन ओके सम स्पेशल एनिमल्स ना हाइबनेशन इज ए लॉन्ग एंड डीप स्लीप दैट हेल्प्स द एनिमल्स टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव इन विंटर विदाउट ईटिंग मच During hibernation, an animal's body temperature drops and its heartbeat and breathing slow down so that it does not use much energy. क्योंकि वो सो जाते हैं तो उन्हें भूख नहीं लगता है उनके बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट उन्हें नहीं होती है क्लियर नो स्पेशली विच ऑल आर द एनिमल्स हु गो फॉर हाइबरनेशन, लाइक स्क्वेर बैट्स माइस बीज एंड चिपमंग्स आर सम ऑफ द एनिमल्स डेट हाइबनेट ये कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स हैं गो फॉर हाइबनेशन नाउ द नेक्स्ट कम्स एस्टिवेशन चिल्ड्रेन अब एस्टिवेशन क्या होता है एस्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज समर स्लीप लाइक हाइबनेशन जो होता है वो विंटर स्लीप होता है उसी तरह एस्टिवेशन जो होता है ना बच्चों दैट इज वॉट समर स्लीप उसे समर के स्लीप को कहते हैं हम लोग ना एस्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज समर स्लीप ड्यूरिंग एस्टिवेशन एनिमल्स गो इन टू अ डीप स्लीप स्लीपेन इट गेट्स टू हॉट जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है दे गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप लाइक फ्रॉग्स टोट्स क्रैब्स टोटाइज एंड सैलम आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट गो इन टू एस्टिवेशन तो ये पर्टिकुलर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दे गो फॉर एस्टिवेशन देखो हाइबरनेशन कब होता है विंटर्स में एस्टिवेशन कब होता है समर्स में जब बहुत ज्यादा समर्स पड़ता है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो दे गो फॉर लॉन्ग स्लीप ओके अ लंग फिश बारी इन द मड फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अ ड्राइड अप लेक सी लंग फिश जो होती है ना वो क्या करती है लेक में वो सर्वाइव करती है लेकिन वाटर तो फिनिश हो जाता है ड्राई अप हो जाता है तो वो क्या करती है अपने आप को मड के अंदर घुसाल के बरी कर देती है लेक के ओके okay? Now first it forms a cocoon of dried mucus and then a tube through where which it breathes. क्या करती है वो अपने ऊपर एक cocoon dried mucus जैसा वो form करती है और उसके बाद उस tube के help से ही वो breathing करती है Clear children? Thank you.